अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। मैं हूं आपकी होस्ट शुदा सैफी। और मैं हूं मोहम्मद यासर जी। और हमारा आपका साथ बंद रहता है सुबह 9 से 11 बजे तक मंडे टू फ्राइडे। और आज भी आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरों, तबसरों और बेबाक सब्जियों के साथ। सबसे पहले अभी की अहम खबर आपको बताते हैं कि इस वक्त वजीर आजम मुल्क शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो दौरे पर है चीन के जी, और वहां पर शी जिनपिंग को दोबारा सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की है जी उन्होंने, और बाओ फोरम से खिताब किया है। अब से कुछ देर पहले खिताब किया, खिताब करते हुए उनका कहना था कि चीनी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं, साथ ही साथ उन्होंने चौथी बार शी जिनपिंग को दोबारा सदर बनने पर मुबारकबाद भी दी है। बिल्कुल, चाइनीस प्रेसिडेंट को मुबारकबाद का पैगाम भी दिया है, और उसके साथ साथ खत्ते के अंदर जो मौशी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं इस हवाले से भी बात कर रहे थे, और साथ ये भी बताया कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है, और साथ इस हवाले से भी उन्होंने निशानदेही की कि जो यहाँ की शरह नमू है उसमें तेजी से इजाफा हो रहा है, ऑल्दो कि 6% उन्होंने वहाँ पर बताया है कि 6% के हिसाब से हमारी तरक्की की शरह है, और आने वाले जो दौर है वो इस खत्ते में बड़ी मौशी तब्दीलियों का दौर साबित होने वाला है जी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने ग्वादर बंदरगाह की तकमील तरक्की के नए दौर के आगाज का भी जिक्र किया, और उनका एक नए दौर में जा रहे हैं तरक्की के, और एक नए तरक्की के दौर का आगाज होगा। अल्लाह करें कि ये हो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी दुआएं यही हैं, लेकिन जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो तो बहुत ज्यादा अपसेट है, और इसमें कोई शुबा नहीं है आपको। लेकिन ये भी बता दें कि जो एशिया के मुस्तकबिल का तायुन हमें करना है, इसी फोरम पे कहा है चीनी सदर ने भी, और उन्होंने भी इस फोरम पे जब बात की तो उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत से खत्तों में इंसानियत को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है, और बिल्कुल सही कहा उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि एशिया का उन्होंने ये भी कहा साथ साथ के मुस्तकबिल क्या है उसका तायुन हमें करना है। बिल्कुल सही, और साथ साथ जैसे मौशी तब्दीलियों की बात हो रही है तो आज कल पूरी दुनिया में मौशी जितनी भी इस्तलाहात हैं वो मुतारिफ कराई जा रही हैं, कोशिश यही हो रही है पूरी दुनिया की कि जितने बड़े ममालिक हैं वो ऐसे इत्तेहाद बनाए जिसके ज़रिए उनके मुल्क में जो मौशी इस्तेकाम है वो आए, ताकि जो सियासी नौयत के मामलात हैं या दीगर मामलात हैं वो भी बेहतरी की तरफ जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें जो है वो कनेक्टेड हैं, और मईशत ही एक ऐसा एक अहम जुज़ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि सियासत हो रही है। इस सियासत का महवर जो आप समझ लें वो यही बना हुआ है, मौशी तब्दीलियों पॉलिसियों के हवाले से ही काम हो रहा है पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो। एशिया की अगर बात की जाए तो एशिया में सीपैक के आने के बाद इस खित्ते में अब दो, जैसे पहले से चाइना और इंडिया बड़ी दो मौशी आप समझ लें कि ममालिक थे मौशी एतबार से जो ज़्यादा साउंड समझे जाते थे, तो पाकिस्तान भी तेजी से जो है वो इमर्ज हो रहा है, एक बड़ी मईशत बनता जा रहा है, उसकी भी निशानदेही वजीर आजम साहब ने की है। बिल्कुल, आपको ये भी बता दें कि इसी हवाले से अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने ये कहा कि चीन से तिजारती जंग बरसों पहले ही हार चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि चीन के साथ कोई तिजारती जंग है ही नहीं, और ये जंग तो हम बहुत पहले ही हार चुके हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, और ये ट्विटर पैगाम में कल लिखा था उन्होंने, ट्विटर पैगाम के जरिए मैसेज उन्होंने दिया है। यकीनन पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी मामलात हैं वो ज्यादातर मौशी मामलात हैं जिसके ऊपर बड़े बड़े ममालिक जो है वो काम कर रहे हैं, अमरीका और चीन के हवाले से हमेशा हम जानते हैं जिस तरह माजी में खबरें रही हैं। शायद लोग जो मईशत को नहीं समझते वो यकीनन ये समझते होंगे, दोनों ममालिक के अंदर कहीं ना कहीं ताई रहती है, लेकिन जहाँ पर एक मौशी इंटरेस्ट की बात आती है तो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करते हैं, तो ये समझने की इस वक्त आम जरूरत है जी। आपको ये भी बता दें कि जब बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तो उनकी ही कुछ मजीद बात कर लेते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वफाकी तहकीकाती इदारे यानी कि FBI के जानिब से उनके जाती वकील के दफ्तर पर छापों को शर्मनाक करार देते हुए उसे मुल्क पर हमला करार दिया है, और ये जो स्टोरी कल बड़ी हिट करती हुई नजर आई हमें सारे इंटरनेशनल मीडिया पर, और जब इस तरह के ये मामलात हुए कि जाती वकील ने उनके दफ्तर पे छापे मारे तो उस पर उन बड़े सिक्का हो गए, और आगे से उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरे ही ऊपर छापा नहीं मारा जा रहा बल्कि ये मुल्क के ऊपर पूरा हमला है, एक तरह से उन्होंने ये कह दिया। बिल्कुल जी, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात कर ली जाए, अमेरिका के जो सदर हैं माजी में भी कुछ ऐसे मामलात उनके रहे, कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज का वो शिकार रहे या उसमें शामिल रहे जिसका नतीजा जो आज उनको भुगतना पड़ रहा है, और इसी तरह का एक मामला था, एक बड़ी तवील एक स्टोरी है, प्रोग्राम में ज़रूर इसके बारे में बताएंगे कि ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा एक स्कैंडल जो इस वक्त अमेरिका में जो है वो सामने आया है वो सोशल मीडिया के जरिए जो वोटर्स हैं उनकी आइडेंटिटी चुराने का मामला है,
जिसके ऊपर भी तहकीकात इस वक्त जारी हैं। जी आपको बताएं कि अफगान सूबे हरात में बम धमाका भी कल हुआ जी, और जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हुए, और ये बड़ी एक अफसोसनाक खबर कल हमें अफगान सूबे से मिली। बिल्कुल, अफगान सूबा हरात इसमें इससे पहले भी इस तरह के वाकयात जो है वो पेश आते रहे हैं। बम धमाकों के वाकयात जो है वो यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि इतने मामला आप समझ लें कि ऐसे नहीं, लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का वाकया जो वहाँ से रिपोर्ट होते रहते हैं। जी बिल्कुल जी, और आपको ये भी साथ साथ बताते हैं कि कराची में इंतजार कत्ल केस के हवाले से JIT ने वाकये को कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दे दिया है, और बड़ा अफसोस हो रहा है ये सुनते हुए भी देखते हुए भी, और साथ ही साथ जो इंतजार के वालिद हैं उन्होंने इजहार अदम इत्मीनान किया है JIT के ऊपर और JIT की रिपोर्ट के हवाले से और उसकी कार्रवाई पर। इससे पहले भी इस तरह का एक कमीशन बन चुका है, इससे पहले भी JIT एक तश्कील दी जा चुकी है, फैसला सामने आ चुका है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर जिसको कहा है ये करार दे देना, तो ये एक बात ही पूरी दुनिया अब शायद देख चुकी है CCTV फुटेज के जरिए कि वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, यानी एक सफाक तरीके से एक जो है मजलूम बच्चे को, एक कम उम्र बच्चे को जो है वो मारा गया है और बीच सड़क पर पूरी प्लानिंग के साथ। तो ये फुटेज जो हमने देखी है, बल्कि इंतजार के वाले साहब को भी प्रोग्राम में हमने बुलाया था, उनसे भी तफसील से गुफ्तगू हुई है, तो सारी बातें आपके सामने हैं और सब लोग इससे वाकिफ हैं। देखना ये है कि जो कातिल हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और ये JIT जो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है। जी जी, और आपको बताएं कि अदालतों में जाने का सिलसिला जारी है, अदालतों के बुलाने का सिलसिला जारी है, और एक और केस उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। कद्दूस भुजन जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ है, बताया जाए 4 साल तक हुकूमत ने सेहत और तालीम के लिए क्या किया, रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के, और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है, यहाँ के लोगों को उनके बुनियादी हकूक मयस्सर होने चाहिए, 4 बरसों में बलूचिस्तान में क्या कारकर्दगी रही, इस हवाले से भी कल हियरिंग हुई है केस। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कल ये सारे मामला रहे और बलूचिस्तान के हवाले से खास तौर पर वहाँ के जो बुजरा है उनकी क्या कारकर्दगी रही है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस आकिब निसार ने ये सवाल किया कि सूबे की तरक्की के लिए क्या इकदाम किए गए, माजी में जोड़ तोड़ होती रही है और इससे पहले भी अगर बात कर ली जाए तो इसी तरह के मामला रहे, लेकिन सूबे की तरक्की के हवाले से कोई काम नहीं किया गया, वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी क्या है वो आपके सामने है। और इसके अलावा भी अभी माजी करीब के अंदर एक स्कैंडल आया था, उस हवाले से भी हम सब बखूबी वाकिफ हैं, जिसमें नोटों की बहुत बड़ी तादाद जो है घर से पाई गई थी, तो ये सारे मामला भी इसी सूबे के अंदर चलते रहे हैं। जी, और अब बात करेंगे कुछ आपसी इख्तलाफात और आपसी बयानबाजी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी खास तौर पर। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नवाज शरीफ सियासत से हमेशा के लिए बाहर हो चुके हैं, इंतखाबात में मुकाबला शीन लीग से होगा, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो कि चेयरमैन है इस वक्त पीपल्स पार्टी के। शीन लीग, ये शीन लीग से मुराद यहाँ पे शहबाज शरीफ क्योंकि अब पार्टी के सदर है, तो इसलिए उसको शीन लीग का नाम जो है वो दिया जा रहा है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस पार्टी को यानी कि मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ की वजह से ये नाम जो है वो मिला, यानी कि इसको मुस्लिम लीग नून कहा जाता था, और अब बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये अब मुस्लिम लीग नून की जगह मुस्लिम लीग शीन है। आपको बता दें कि जनूबी पंजाब के हवाले से सूबे का नारा लगाया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज से 3 रोज कबल जलसे में, और वहाँ पे बड़े मुतहरक भी नजर आ रहे हैं पंजाब में, और अब समझते नहीं, अब समझते वाला तरह के अब सूबे का वहां जो नारा लगाया जा रहा है, यहाँ लगाया जाता था तो फिर क्या होता था कराची के हवाले से, अब वहां लगाया जा रहा है, कौन पूछेगा, ये आपके सामने है सारे मामला। अच्छा, एक चीज का और जरा आप मुझे जवाब दीजिएगा कि इससे पहले जब इनकी हुकूमत रही, जब ये विफाक का हिस्सा थे, तो आपको याद होगा एक वजीर आजम थे, उनका नाम था यूसुफ रजा गिलानी, उनका ताल्लुक कहाँ से था, वो भी जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते थे। और एक बड़ी अजीब बात है कि जब वफाक में भी थे, वजीर आजम भी आपका था, सदर भी आपका था और सारे आम ओहदों पर भी आपके लोग जो है वो फाइज थे, तो उस वक्त ये मामला क्यों जेरे बहस नहीं आया, क्योंकि मुतालबा तो बहुत पहले से हो रहा है और मुतालबा करने वाले लोग कौन है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। और कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो लोग अपनी पार्टी छोड़कर गए हैं, ये कौन लोग हैं, जरा इनके बारे में भी हमारे लोगों को पता चले कि ये वही लोग हैं जो मुशर्रफ साहब जब यहाँ पे मौजूद थे तो उनकी हुकूमत का हिस्सा रहे, फिर मुस्लिम लीग नून जब इक्तदार में आई तो उसका हिस्सा रहे, और अब हुकूमत के 10-1 दिन जब रह गए हैं तो ये मुतालबा जो वो जोर पकड़ा, तो बड़ी गैर मामूली बात। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नून लीग खत्म हो चुकी है और नवाज शरीफ हमेशा के लिए सियासत से बाहर हो गए हैं, अब इलेक्शन में हमारा मुकाबला, जो उन्होंने ये कहा है कि शीन
लीक से होगा। उन्होंने ये भी बताया है कि जी मुनारे फरकान ने कभी जनूबी पंजाब सूबे का इशू नहीं उठाया और ये इशू भी अब हम उठा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ मुनारे फरकान जो है वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं जी। और शहबाज शरीफ साहब ने लेकिन पार्टी छोड़ने वालों के बारे में बयानबाजी पर पाबंदी भी लगा दी है, ये भी आपको बता दें। बिल्कुल जी, कल ये मामला कर रहे लाहौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर ये सारी बातें डिस्कस हुई, खासतौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से अलग सूबे की मुतालबा जो है वो किया जा रहा है और एक नया लाइन जो है वो वजूद में आया है। और जैसा भी हमने अर्ज किया कि इससे पहले ये वही लोग थे जो परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत का हिस्सा रहे और उसके बाद मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे, और अब जब हालात को समझते हुए कि मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं और पेशगोई हो रही है कि हो सकता है मुमकिन तौर पर कि साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ को जो है वो शायद सजा भी सुना दी जाए, तो ये तमाम चीज़ें एंटिसिपेट करते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि अब इस पार्टी को छोड़कर जो वो दूसरी पार्टी में जगह बनाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी पार्टीज जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं कि अब किसी नई पार्टी में जाने से अच्छा ही है कि आजकल नई पार्टीज का दौर है तो क्यों ना खुद एक अपनी नई पार्टी बनाई जाए। और एहतसाब अदालत के बाहर कल साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जब बात की थी, गरज में गुफ्तगू की थी मीडिया से, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ के लिए खुला मैदान तो किसी को बंद गली में धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जरदारी और इमरान खान की जबान बोल रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्री पोल धांधली हो रही है और ऐसे इंतखाबी नतीजे तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आजम से निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत भी हुई है, उस पर भी उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा इलेक्शन लड़ने के लिए सबको यकसर मौके जो है वो मैसर करने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए बंद गली है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए छूट हो। बिल्कुल जी, ये मुतालबा भी अब सामने आ रहा है और जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस चीज़ का इंदिया देती हुई नजर आ रही है कि उनको जो है वो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बहरहाल इस वक्त जो ज़ेर-ए-ताब हैं वो ये समझते हैं कि उनको बंद गली में धकेला जा रहा है और बाकी के लिए जो है वो खुला मैदान है, लेकिन ये इंतखाबात से पहले इस तरह के बयानात रहते हैं, लेकिन पोजीशन अभी भी जो है वो मुस्तहकम नजर आती है। बिल्कुल, ये एक प्लस पॉइंट है जी। और दूसरी जानब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात देते हैं, हमारे ज़राए बता रहे हैं जी अडियाला जेल में जो है वो तैयारियां की जा रही हैं और तज़ीनो आराइश की भी, और वहां पे सिक्योरिटी जेल की तज़ीनो आराइश खास तौर पे शुरू कर दी गई है और मुख्तलिफ सेलों में वाइट वॉश भी कराया जा रहा है और नई लाइट्स लगाई जा रही हैं, नए बल्ब लगाए जा रहे हैं। तो ये जो आईजी जेल खाना जात है उन्होंने भी, जो मिर्जा शाहिद सलीम बेग है, उन्होंने भी वहां का विजिट भी किया है और बड़ा हंगामी विजिट किया है। और ये क्यों हो रहा है इस पर भी सवाल उठता है कि अगर अडियाला जेल में इस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं तो आखिर किसके लिए की गई हैं। बिल्कुल जी, और इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करेंगे, एक बड़ा आम मौजू है, एक बड़ी आम खबर है और ये खबर जो है वो कल ज़रा ब्लॉक के ऊपर जब आई है तो इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि मोबाइल से स्टार्ट हो चुके हैं। बहरहाल अब आप लोग सब समझ ही चुके होंगे यकीनन, और नहीं समझे तो जरूर इस बारे में आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और इस पे आपकी राय भी शामिल करेंगे। जी जी बिल्कुल, खबरें बहुत सारी खबरों के ऊपर जाएंगे। आज के वार्डरोब की भी बात कर लेते हैं जी ब्रेक पर जाने से पहले। पहले आज का वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है जी फैशन जोन ने और बहुत ही प्यारे कट्स पे इन्होंने ड्रेस बनाया था, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। आवेज अली, उवैस अली एंड अरसलान अली जी इसके डिजाइनर्स हैं, उवैस अली एंड अरसलान अली। और क्लिफ शॉपिंग मॉल है जी तीन तलवार पर, क्लिफ शॉपिंग मॉल है जहाँ पे तीन तलवार पर, जहाँ आप जाके ये विजिट भी कर सकते हैं जी और इनके आउटलेट और वहां से परचेज भी कर सकते हैं ये ड्रेसेस। तो उवैस अली एंड अरसलान अली, नाइस वर्क, बहुत अच्छा किस आपका काम है जी, फैशन जोन में आपका ऑन बोर्ड है जी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। अभी ब्रेक लेते हैं, यहाँ से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें और खास तौर पे मुल्क में हो क्या रहा है इस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद ब्रेक मॉनिका। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले बात की कुछ खबरों की जी, और अब जो है वो मामला जिस तरह से खबरों के हवाले से सेगमेंट्स में बात की जाती है सेगमेंट करेंगे जी, और इसमें पहले अपनी बात करें केस की जी, इंतजार के कत्ल केस के हवाले से। इंतजार के वालिद ने जे आई टी पर इजहार इत्मीनान कर दिया है जी, और
जो जे आई टी की कार्रवाई है वो आपको पता है कि जिस तरह से चल रही है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले इंतजार के वालिद इश्तियाक अहमद का कहना है कि उन्हें जे आई टी रिपोर्ट फराम नहीं की गई, लेकिन मुलजमान के वकील को वो रिपोर्ट दे दी गई है और इल्जाम आयद किया गया है कि पुलिस बददयानती से अपने पेटी बंद भाई को मदद फराहम कर रही है। और जीआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजार अहमद की मौत हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, जबकि कत्ल केस में मुलजमान की जानिब से मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इंतजार दहशतगर्दी अदालत ने फैसला भी महफूज कर लिया है और जीआईटी ने भी अपनी रिपोर्टर सिफारिशात जो है वो पेश कर दी है। बिल्कुल जी, ये फुटेज है आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये क्राइम सीन का जो नक्शा है ये भी बनाकर दिखाया गया है और ये बात जो है ये तो शुरू दिन से कही जा रही है और इत्तेफाक से ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये भी मंजर आम पर आई जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये बच्चा जो है इंतजार इसकी गाड़ी को रोका गया और बहुत सारे लोगों ने इसको जो है गाड़ी को रोका है जो मुख्तलिफ डायमेंशन से आए और आकर उन्होंने जो है इसको रोका और बाकायदा फिर कुछ तहकीक करने के बाद बाकायदा जो है उसको टारगेट करके जो है वो कत्ल किया गया। तो ये आप देख सकते हैं ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। इससे पहले भी जो जीआईटी तश्कील दी गई थी उसके अंदर ये बात वाजे हो चुकी थी कि इस बच्चे को जो है वो फील्ड लगा कर बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है वो कत्ल किया गया है और इसमें जो कन्विक्शन हुई थी जिन लोगों के नाम सामने आए थे और कुछ लोगों का ताल्लुक जो है वो पुलिस के महकमे से भी बताया जा रहा था। तो वालिद साहब जो इंतजार बच्चे के हैं उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने तफसील से हमें बताया कि सारे क्या मामला थे, ना किसी से उस बच्चे की दुश्मनी थी ना उससे सा कोई किसी का ताल्लुक था, लेकिन ये क्यों हुआ ये जानना सबके लिए जरूरी है कि इस बच्चे को इतना बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया है और इसके पीछे क्या मुहरकात थे ये सामने आना जरूरी है। लेकिन अभी भी जब उनका स्टेटमेंट सामने आया है तो वो सारी जो प्रोसीडिंग है उससे अभी तक जो है वो नाखुश नजर आते हैं और इतनी देर हो जाने के बाद भी अभी तक जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ये एक बड़ा जो है वो सबके लिए लम्हा फिक्री है और हमारे जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इदारों पर तो सवालिया निशान उठ ही रहे हैं बहुत सारे मामला में। पहले आगे बात कर लें इसी हवाले से, तो आपको बता दें कि कमेटी की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश के बाद गिरफ्तार तमाम पुलिस अफसरान व अहलकारों को मुलव्वज़ करार दे दिया गया है और उसके साथ साथ एसएसपी मुकद्दस हैदर के खिलाफ भी एसओपीज़ पर अमल दरामद ना कराने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है जी। और इंतजार कत्ल केस जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक मतीहा कियानी को नशा आवर अशिया खिलाकर बयान रिकॉर्ड किया गया, मतीहा कियानी और मुकद्दस हैदर के दरमियान कोई ताल्लुक साबित ना हो सका। पुलिस पार्टी ने कवायद जवाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की है और वाकई के वक्त पुलिस अहलकार सादा लिबास में मलबूस थे। इंतजार कत्ल केस की तहकीकात के लिए बनाई गई जीआईटी की मजमूई तौर पर 6 इजलास अब तक बुलाए गए हैं। जीआईटी ने इंतजार के वालिद समेत 17 अफराद के बयानात भी कलम बंद कर लिए हैं। जीआईटी ने तमाम अहलकारों का मोबाइल फोन डेटा भी हासिल किया। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक केस की तफ्तीश के लिए वाकई में मुलव्वज़ पुलिस अहलकारों अफसरान मकतूल के वालिद उसके दोस्तों समेत इंस्पेक्टर आमिर हमीद उनके बैरून मुल्क रहायश पजीर भाई के भी बयानात कलम बंद किए गए हैं, जबकि इंतजार के वालिद की जानिब से भी आमिर हमीद उनके बैरून मुल्क रहायश पजीर भाई पर भी शुबात का इजहार किया गया था। ताहम ज्वाइंट जब इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान ने तमाम अफराद के बयानात के बाद उन्हें इसमें मुलव्वज़ करार नहीं पाया है। इसी पर बात करेंगे, अभी हमें ज्वाइन कर लिया है इंतजार के जो वालिद साहब हैं इश्तियाक साहब, उन्होंने उनको खुश आमदेद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच इश्तियाक अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जीआईटी पर आप इजहार अदम इत्मीनान कर चुके हैं, क्या वजूहात हैं, अब तक जो कार्रवाई हुई है उससे क्यों मुतमईन नहीं है? नहीं, मैंने जीआईटी पर इत्मीनान नहीं किया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहा है मैंने कहीं पर। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कि जीआईटी की रिपोर्ट फाइनल है कि मेरे बच्चे का जो है वो कत्ल है, वो इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इट्स नॉट ए एक्सीडेंट, ठीक है ना, ये जीआईटी की रिपोर्ट कह रही है जी, और मैंने जीआईटी की रिपोर्ट पर अदम एतमाद नहीं किया है, ठीक है। तो मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जीआईटी की रिपोर्ट मुझे अभी तक नहीं मिली है। इंशाअल्लाह ताला जीआईटी की रिपोर्ट मुझे जैसे ही मिलेगी मैं डिटेल से पढ़कर आपसे मजीद बात कर सकूंगा, ठीक है। तो आपका इस वक्त जो है वो ये कंसर्न है कि रिपोर्ट आपको नहीं मौसूल हुई, मीडिया से पता चला है वो यही है कि इट इज कोल्ड ब्लडेड मर्डर करार दिया है उन्होंने। जी जी, तो अब आप इससे जो है मुतमईन है कि ये जो सारी कार्रवाई हुई है, क्योंकि इससे पहले भी जो कार्रवाई हुई थी उसके हवाले से कार्रवाई से मुतमईन तो इस तरह से नहीं हूँ कि यहाँ पे एक्यूज पुलिस है और सारी तफ्तीश पुलिस ही कर रही है। जैसा कि मुलजिमान के वकील के पास जीआईटी की रिपोर्ट कल मौजूद थी, हाँ। और मेरे वकील के पास जीआईटी की रिपोर्ट अब तक नहीं थी। अच्छा, ये है आपका कंसर्न, सही। किस सोर्स से मिली? पुलिस ने दी ना। बिल्कुल ठीक,
तो आपको क्यों नहीं अभी तक जीआईटी की रिपोर्ट फराम की गई? आपने मांगी है? जी मैंने मांगी है बिल्कुल, मैं कल होम मिनिस्ट्री तक गया था और मैंने कोशिश की है, लेकिन सनाउल्लाह अब्बासी साहब इस्लामाबाद गए हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उनसे अप्रोच करके मैं भी एक कॉपी लूंगा जीआईटी रिपोर्ट की, और कोर्ट से भी मैं दरखास्त करूंगा कि मुझे जीआईटी की रिपोर्ट दी जाए ताकि मैं उसको डिटेल से पढ़कर तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। अच्छा ये बताइएगा इश्तियाक अहमद साहब, अब तक की जो सारी कार्रवाई है हुई है और अब तक जितने भी बयानात कलम बंद किए गए हैं उससे आप मुतमईन हैं? मेरे सामने नहीं आए कि क्या कलम बंद किए गए या किन किन लोगों से। मैंने जो अपने शकों को शुबात का इजहार करना था वो कर चुका हूँ कि मेरे बेटे का माँ सेवा इसके कोई इशू नहीं था कि वो आमिर हमीद डीएसपी की भतीजी से मिलता था जुलता था और उससे दोस्ती थी, और वो लड़की मारूफ भी जो उसकी क्लासमेट थी मेरे बच्चे को पसंद करती थी और मेरे बच्चे की दोस्त थी। अच्छा। वो इनके बाबा इनके बाप को गवारा नहीं था। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये वजह बनी जिसकी वजह से उस बच्चे को जो है वो कत्ल किया गया? जो सच्चा है वो आमिर हमीद डीएसपी है। अच्छा, और फारूक एवान साहब के आजकल वो पीएसओ है। अच्छा, और अच्छा। मेरी बच्चे की इन्वेस्टिगेशन भी फारूक एवान साहब के हाथ में थी जो कि दो हफ्ते तक जीरो उस पर रही है और कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई है ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये सारी चीजें मेरे शकों को शुभात को डेवलप करती हैं। अच्छा, जीआईटी के सामने आपने ये बात बताई, ये सारे जो मामला थे आपने उनके सामने रखे? मैंने जीआईटी के सामने बताई थी कि मेरे बच्चे की दोस्ती आमिर हमीद की भतीजे से थी और मैंने उनका नाम लिया था और उन्होंने उनको बुलवाया भी था। अच्छा ठीक। अच्छा, ये मदीहा कयानी भी इस केस में मुलविस थी और इस केस का बड़ा अहम हिस्सा रही है थ्रू आउट जब से ये वाकया हुआ, तो मदीहा कयानी का भी बयान आया सामने और जो अब बयान आ रहे हैं नशा देकर उनको बयान दिलवाया गया इस हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे? आप अभी तक आपको क्या इस बारे में तफसीलात मिली हैं? मदीहा कयानी ऐनी शाहिद थी मेरे बच्चे के साथ उस वक्त मौजूद थी और वो गाड़ी से उतरकर चली गई। मुझे हैरत है कि पुलिस ने उसको किस तरह ने दिया और मैं तो हैरान हूँ कि पुलिस खुद फायरिंग करने के बाद फरार हो गई है, जो कि जीआईटी की रिपोर्ट में भी है कि पुलिस बच्चे को उसने कोई हॉस्पिटलाइज नहीं किया है बल्कि वो फायरिंग करने के बाद फरार हो गई है पुलिस के एहलकार, और वो एहलकार फायरिंग करने के मजाज ही नहीं रखते थे। ठीक है ना। अब मदीहा कयानी के बारे में मैं कुछ था, वो गाड़ी में मेरे बच्चे के साथ उस वक्त मौजूद थी या अभी एक डेढ़ महीने पहले कोई दोस्त काजिम शाह मेरे घर पे उसको ले आया था कि ये बयान देना चाहती है, तो मैंने अपने वकील को बुलवा के कहा कि देखो ये क्या कहना चाहती है, मैंने इससे कोई कंसर्न या कोई मेरा ताल्लुक नहीं है ना, मैं जानता हूँ मदीहा कयानी क्या है क्या नहीं। ठीक है। अच्छा, अदालती मामला जो अब होंगे, अगर फैसला आपके हक में नहीं आता तो दूसरी सूरत में फिर आप क्या करेंगे? पर पूरा एतमाद है और मैं इंशाल्लाह ताला अदलिया पर फक्र करता हूँ। ये हाई कोर्ट के ही प्रोसिक्यूटर जनरल ने और हाई कोर्ट के जज ने ही इसको रिकमेंडेड किया है एटीसी में कि नहीं, इसमें जो है माशरे में खौफ फैला है और बच्चे ने मजामत नहीं की थी और वो निहत्ता था तो फायरिंग क्यों की गई। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए इसमें एटीसी की दफात लगाई जाए और एटीसी में दाखिल किया जाए, लेकिन मुजरिमान के वकील साहब ने दरखास्त दायर की है कि नहीं, इसमें एटीसी की दफात नहीं लगती है। हमारे वकील ने दलाल दिए, अदलिया गौर करेगी, देखेगी तमाम मामला को और जैसा बेहतर समझेगी वो फैसला करेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया इश्तियाक अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू हो रही थी। इंतजार के वालिद साहब हमारे साथ थे, इंतजार कत्ल केस। अच्छा, ये कि क्लियर हो गई कि इंतजार के वालिद साहब ने अभी जैसा हमें ज्वाइन किया और जीआईटी की रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि खबरों के अंदर जो है वो स्टेटमेंट जो उनकी वो चल रही थी कोर्ट कर रहे थे और ये तमाम स्टेटमेंट उन्होंने वो कर दिया, तो मेरे ख्याल से अगर वो स्टेटमेंट अब चला दी जाए हमारी भी स्क्रीन पर तो वो जरा अच्छा होगा जो स्टेटमेंट वो देके गए हैं। उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया जीआईटी की जो ये इन्वेस्टिगेशन है कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है उसको करार दिया गया, और वो ये फरमा रहे थे कि जो जीआईटी की जो अभी तक तहकीकात है उससे वो मुतमईन है, लेकिन ये जो सारी प्रोसीडिंग जो रिसेंट पास्ट में रही है उससे वो मुतमईन नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो ये इंतजार के हवाले से जी, इंतजार कत्ल केस जो कि एक बड़ा अहम कत्ल केस था जी, एक नकीबुल्ला महसूद ये और मकसूद ये तीन केसेस ऐसे जिनके हम फॉलोअप स्टोरीज कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने ये केसेस उठाए थे जी, तो इस पर बात हो रही है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, ये तो कराची की के हवाले से बात हो गई क्योंकि आपके शहर की बात करना, हमारे शहर की बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ी सी दुनियावी सतह पर जो सियासी मामलात हैं उसकी, और सबसे पहले जी आपको जिस तरह से खबर दी आज के सुबह के वक्त जो है
وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس وقت خطاب کر رہے تھے تھوڑی دیر قبل باؤ فورم سے. اس بارے میں آپ کو بتا دیتے جی کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ شی جن پنگ کو دوبارہ صدر بننے پر مبارکباد دیتا ہوں, چوتھا صنعتی انقلاب دستک دے رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی. ساتھ ہی ساتھ جی انہوں نے بائے فورم سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ والہانہ مہمان نوازی پر چینی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں. مزید کہنا تھا کہ گوادر بندرگاہ کی تکمیل ترقی کے لیے نئے دور کا آغاز ہوگی. 10,000 میگا واٹ بجلی نظام میں شامل کی گئی ہے. سی پیک پاکستان اور خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. پاکستان کی ترقی کی شرح 10 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. بالکل جی, یہ بڑی تفصیل سے جو بات اس کے اوپر ہم نے کی بھی تھی, اس سے پہلے بھی پروگرام میں اس حوالے سے بات ہو چکی ہے. اس ریجن کے اندر بڑی تیزی سے جو اکنامک چینجز جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور اس وقت جو ہے پوری دنیا میں بلکہ خاص طور پر اگر اس ریجن کی بات کر لی جائے تو جتنے بڑے ممالک ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط کریں, اور اسی بنیاد کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. چائنا کے اندر اگر بات کر لی جائے, جیسے شی جن پنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو ایک مضبوط امیدوار اس لیے بنے کہ ان کے دور میں چین نے جو معاشی ترقی کی ہے وہ شاید گزشتہ دور میں نہیں ہو سکی ہے. معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رہی, اور یہی وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ صدر جو ہے وہ منتخب ہوئے. ان کے اوپر پارلیمنٹ کے جو ممبرز ہیں انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا, وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا ہے, اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے. پاکستان کی اگر بات کر لی جائے خطے کے اندر, تو ہماری ایک بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے جو معاشی پالیسیاں اڈاپٹ کی ہیں وہ ساری ایسی رہی ہیں کہ جو شارٹ ٹرم کے اندر ان کا کہیں نہ کہیں فائدہ نظر آیا بہت تھوڑے وقت کے لیے, لیکن لانگ ٹرم کے اندر جو ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا اور نہیں اسٹیبل ہو سکی وہ پالیسیز. یہی وجہ ہے کہ جب حکومتیں جاتی ہیں تو ملک کی جو معیشت ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے. یہی ہوا مشرف صاحب کے دور کے اختتام پہ, یہی ہوا ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کے دور کے اختتام پہ, اور یہی ہو رہا ہے مسلم لیگ نون کے دور کے اختتام پہ کہ جس وقت آپ کے قرضے جو ہیں وہ ریکارڈ ہائی پہنچ چکے ہیں اور آپ کی جو معیشت کی صورتحال تیزی سے گرتی جا رہی ہے بگڑتی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جناب یہ جو معاملہ سارا پیناما کیس کے بعد ہوا ہے یہ ایک بڑی وجہ رہا ہے. تو یہ ایک بڑی عام سٹوری ہے جی. ابھی اسی پر بات کرتے ہیں جی کہ دنیاوی سیاسی صورتحال, اور جو یہ ابھی آج وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کر لیا سینئر تجزیہ کار ہیں منور مرزا صاحب, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. تھینک یو سو ویری مچ منور مرزا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. منور مرزا صاحب جاننا چاہیں گے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس وقت موجود ہیں جی چائنا میں اور چین کے دورے پر ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ باؤ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ صنعتی انقلاب دستک دے رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے بہت عرصے بعد جس نے کہ اکنامکس کو اپنا ایجنڈا بنایا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ جس وقت نون لیگ نے اپنا الیکشن لڑا تھا 2013 میں, تو ان کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ صرف تین باتوں پر مشتمل تھا. پہلا یہ تھا کہ اکنامک ریوائول کریں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بالکل بیڑا غرق کر دیا تھا ملک کا. آپ کو یاد ہوگا کہ اتنی بری حالت تھی کہ لوگ پناہیں مانگ رہے تھے ان سے. اب بھول چکے ہیں, پاکستان کی لوگوں کی میموری بڑی شارٹ ہے. جن کے پاس نہ کوئی وزیر اعظم تھا نہ کوئی, میں اس نے جانا نہیں چاہتا تقریب میں, اصل بات ہمیں موجودہ حالات سے جانا چاہیے. تو ان کا اکنامک ایجنڈا ہی تھا, اور یہ دوسرا آپ کو یاد ہوگا اس میں یہ تھا کہ بھارت سے تعلقات اچھے کیے جائیں, اس کا بھی پس منظر یہی تھا. لیکن اس میں یعنی ہو سکتا ہے دو رائے ہوں, دو قسم کی رائے ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے صحیح معنوں کے اندر اپنی اکنامک پالیسی کو چلایا نہیں. جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں جو ماہرین ہیں پاکستان کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں چلایا. لیکن دوسرے اور خود حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اکنامک ایجنڈے کو بہت تیزی سے اوپر لے گئے, اور ایک اگر غور کیا جائے تو 5.2 کا جو انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیا ہے وہ کوئی گروتھ ریٹ کا وہ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی. پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2.3 تھا, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ کا تھا. چاہے اس کے فوائد ایک دن میں تو پہنچے نہیں ہیں, لیکن 3.5 سال کے اندر کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا نہیں. اکانومکس کا میں حوالہ دے رہا ہوں, فوربس کا حوالہ دے رہا ہوں, تمام جو ریٹنگ کمپنیز ہیں ان کا حوالہ دے رہا ہوں. اس کے اندر پاکستان کی اسٹینڈنگ اچھی ہے. اسٹیٹ بینک کی اپنی رپورٹ یہ ہے ابھی جو 2-5 ہفتے پہلے ہے کہ پاکستان لانچنگ اسٹیٹ جو ہے
तो ये हमारे मैं तो इंतखाबात में तो जा नहीं रहा, ना मैं किसी सियासी पार्टी का मेंबर हूँ कि मैं ये कोई वो एहतियात करूँ इस मामले के अंदर। जो कुछ ये सामने जो ठोस रिपोर्ट है वो आपके सामने। अच्छा मिर्साब एक चीज का जरा जिक्र कीजिएगा कि अगर ये मौशी पॉलिसीज जैसे जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं कि बेहतर रही है, अगर ये बेहतर थी तो ये कैसे हुआ कि ये जब हुकूमत अपने आखिरी मराहिल के अंदर दाखिल हुई तो वो सारी पॉलिसीज जो वो कोलैप्स कर गई और वो सारी की सारी जो फैसले उन्होंने किए थे वो सारे उल्टे पड़ गए, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं जी। अगर आप इकोनॉमिक मॉडल से देखें, अभी आपने खुद शी जिनपिंग का हवाला दिया ना? जी जी, जी। एक ताकतवर आदमी की जरूरत होती है। डेंग ज़ियाओपिंग थे जिन्होंने चाइना के अंदर असल में तब्दीली लाया है। शी जिनपिंग तो उनके जानशीनों में है, तीन जानशीन थे, इससे पहले हो जनता थे, अब ये शी जिनपिंग है। महाथिर मोहम्मद एक आदमी थे, 20 साल तक कंटिन्यूसली उन्होंने पॉलिसी अख्तियार की और बड़ी सख्ती से की और उन्होंने ली क्वान यू थे सिंगापुर के अंदर थे, आप थाईलैंड में देख लें साचिन श्रीवास्तव थे जी। जिन इस वक्त भी आप अगर आप गौर करें डोनाल्ड ट्रंप पे 1,125 आप तनकीदें कर सकते हैं, लेकिन एक साल के अंदर उन्होंने टर्नओवर कर दिया ना 1.3 से उठाकर 3.2 पे ले गए अमेरिका की इकोनॉमी को और ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। तो एक आदमी होता है, एक पार्टी होती है जो कि एक्चुअली इसको कर सकती है, क्योंकि उनका इकोनॉमिक एजेंडा होता है, पूरी कौम उस पर मुत्तफिक होती है, वो पीछे चलती है। ये नहीं हो सकता आप चाहे 100 तनकीदें करने, ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके इंसाफ के पहलू वो अपनी जगह है, मैं उसके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि एक्चुअली जो उसकी ड्राइविंग फोर्स थी, जो असल आदमी थे, वो तो नवाज शरीफ थे जी। उनके कहने के ऊपर सब कुछ चल रहा था, ये चाहे अब उसको डिक्टेटर कह दें तो फिर महाथिर मोहम्मद के कहने पे भी चल रहा है, शी जिनपिंग के कहने पे भी चल रहा है, ली क्वान यू के कहने पे भी चल रहा है, ये साकिन श्रीवास्तव के कहने पे भी चल रहा था। तो ये इसी तरह होता है, ये जो प्रोसेस है इकोनॉमिक का। मगर मिर्जा साहब मैं जानना चाहूंगी, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं और तजियाकारों का काम, अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आप बता रहे हैं, हाँ हाँ नहीं मैं यही कह रही हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप बुनियाद बनाते हुए सारी चीजें बता रहे हैं जिस तरह से, तो कहने का मकसद ये है कि तजियाकारों का काम यही होता है और लोगों का काम यही होता है जो मुशावरत भी करते हैं साथ ही साथ या जो थिंक टैंकर्स हैं सारे, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ रुख ही कुछ और बदल गया है और तनकीद बराए तनकीद बहुत ज्यादा होती है। अब जैसे आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चीजें बता रहे हैं उस पर बहुत कम बात होती है, मुबाहसों पर ज्यादा बात होती है, तनकीद ज्यादा की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है खासतौर पर, जिस तरह से आपने कहा जो पॉलिसी इख्तियार की इस हुकूमत ने 2013 में आने के बाद, तो क्या उसको बार बार जिस तरह के बीच में मसाइल दरकार थे या जो उनको पॉलिटिकल बार बार डिस्टरबेंस मिली, क्या उससे भी इफेक्ट पड़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुई और मजीद रुक गई, वरना वो इससे और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते थे? इसमें दो राय कोई हो ही नहीं सकती, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। देखिए हमने अजीब अजीब या पाकिस्तान के अंदर अजीब गरीब किस्म के नारे ईजाद किए हुए हैं, ठीक है, मैंने आपको ये चार मिसालें दी, अगर इनको आप डिनाय कर सकते हैं किसी के पास चले जाइए, वो अपनी बातें हैं उनकी, जो एंट्री के लिए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ फलाना हुआ, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब आपने वो कोर्ट का जब फैसला आया उसके सही होना या गलत सही है तो कोर्ट जानता है और मैं उसका एहतराम करता हूँ, उसमें अमल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपने असल जो फोर्स थी वो तो हटा दी, उसके बाद तो सिर्फ नून लीग के लिए ये इशू हो गया, ये इशू नहीं था कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी को कंटिन्यू करते, उनके लिए तो इशू है सर्वाइवल का और दोबारा इंतखाबात लड़ने का। इकोनॉमिक की तरफ अगर वो कमजोर है, बिल्कुल सही ये जो लोग यानी इस बात को कह रहे हैं, अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल सही बात है, आप जब उसको हटा देते हैं मेन ड्राइविंग फोर्स को तो इकोनॉमिक्स कोलैप्स कर जाती है। देखिए हम ये कहते हैं इदारों को मजबूत करो, ये मैंने ये नारा इस पाकिस्तान में 30-35 साल से सुन रहा हूँ, अब आपने इदारे इतने मजबूत कर दिए हैं कि हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो सिफर होकर रह गई है और इदारे जो है एक्चुअली वो। अच्छा मिर साहब एक चीज का जरा जवाब दीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि अदालती फैसला राह में रुकावट बना और अगर वो अपना काम सही तरह से नहीं कर अच्छा नतीजा बता रहा हूं। अच्छा नतीजा अभी बता रहे हैं तो ये हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ गए, अगर आपके ख्याल में अगर इनकी पॉलिसी सस्टेनेबल थी और अगर ये अगर सही डायरेक्शन में जा रहे थे और अगर कोई बीच में हिंडर करता है या कोई अगर हर्डल आती है तो इससे बाहर क्यों नहीं आए हुकूमत से? देखिए ये फैसले मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता कि इन्होंने क्या फैसला किया, इन्होंने क्या फैसला नहीं किया, इन्हें ऐसा करना चाहिए इन्हें या नहीं करना चाहिए, तो देखिए ना ये इनका काम है करना, ये हमारा काम नहीं, हम तो सिर्फ ये बता सकते हैं। अच्छा मिर साहब डोंट यू थिंक कि अगर पॉलिसीज अगर सही होती
تو سسٹم چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی حکومت آتی, اگر آپ صحیح پالیسیز اگر بنا کر گئے تو پھر وہ سسٹم چلتا رہتا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر مہاتیر محمد کو اٹھا کے کیوں نہیں پھینک دیا انہوں نے دو سال کے اندر؟ سر وہ بات نہیں ہے, بات سر وتھ ڈیو ریسپیکٹ سر میری گزارش آپ سن لیجئے, میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کو ہٹا بھی دیا جائے, اگر آپ کی اکنامک پالیسیز ٹھیک ہوں گی تو کوئی بھی شخص آئے آپ کی پالیسیز تو چلتی رہیں گی. پیپلز پارٹی نے سر لیٹ می جسٹ کمپلیٹ دس ون, میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے پیپلز پارٹی نے ایک پروگرام انٹروڈیوس کرایا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اور ماضی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے کہ اس طرح پروگرام جو ہے دوسرے ممالک میں رہے, اگر وہ چیز صحیح تھی تو مسلم لیگ نون نے اس کو اڈاپٹ کیا. اگر اسی طرح کی پالیسیز اگر بنائی جائیں جو دوسری گورنمنٹ اڈاپٹ کرے تو اس میں کیا پرابلم آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بے نظیر انکم ٹیکس پروگرام از اے ہوپلیس پروگرام. جی یہ اس طرح کے پروگرام جتنے بھی کیے گئے ہیں یہ کوئی پروگرام ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بغیر کام کیے ہوئے پیسے دیتے رہتے ہیں غربت کے نام کے اوپر؟ سر یہ دوسرے سسٹم میں سر برازیل کے اندر سر سر میری عرض سن لیجیے سر میری عرض سن لیجیے برازیل کے اندر اور اس طرح جو چھوٹے ممالک ہیں اسی پروگرام کے ذریعے اکنامک پراسپیرٹی لائی گئی ہے, اور یہ فیلئر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں ہوا ہے تو یہ تو آپ کی حکومت کی غلطی ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنایا. آپ برازیل کی یا وینزویلا وغیرہ کی کیا مثال دے رہے ہیں؟ اصل ان کا سپورٹ جو ہے دیٹ از آئل. سر وہ پاپولیشن میں ہم سے زیادہ بڑے ہیں اور ہم سے زیادہ ادھر زیادہ اس وقت جو برے حال ہیں اس سے زیادہ برے حال تھے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہی سسٹم کے ذریعے انہی پالیسیز کے ذریعے جب وہاں بہتری آ سکتی ہے تو آپ کے یہاں کیوں نہیں کام کری یہ چیز؟ تو پھر آپ نے غور کیا وہاں پر برازیل کے اندر کیا ہوا ہے؟ وہاں پر گزشتہ 18 سال سے جب وہ اکنامک پالیسی کامیاب ہونی شروع ہوئی تو ایک ہی گورنمنٹ کی گزشتہ 20 سال تک حکومت رہی ہے. دلما روزاف کو 2 دفعہ, اس سے پہلے وہ جو صدر ہیں ان کو 4-3 دفعہ ان کو سکسیس ملا. میں آپ کو مثالیں اسی لیے دیتے ہیں تو آپ کو اپنے نزدیک کی مثال دے رہا ہوں. میں آپ چائنا کو دیکھ لیں, جن تاؤ اور شی جن پنگ, اور اس نے تو انہوں نے تو اب چاہے آپ وہ ہمارے دوست ہیں سب کچھ ہے, ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کے انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میری اکنامک پالیسیز جو ہے وہ سکسیس ہے تو انہوں نے تو یہ شکی ہٹا دی کہ تو سر انہوں نے کیوں اڈاپٹ کر لی وہ پالیسیز؟ پھر اگر وہ پالیسیز ٹھیک نہیں تھی تو اس کو ختم کر دیتے. بنے ہیں وہ لائف لائف پریزیڈنٹ بنے ہیں تو کس لیے بنے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ پھر تو انہیں ہٹ جانا چاہیے, اگر پالیسیز کامیاب ہے تو پھر انہیں ہٹ جانا چاہیے. اردوغان جو ہے وہ 20 سال سے انہوں نے بھی یہ شک ہٹا کے وہ پریزیڈنٹ کیوں بن گئے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں یہ اسٹیج بڑے نازک ہوتی ہے. آپ کیا دیکھ لیں دنیا کی تاریخ کے اندر, یہ پاکستانیوں کو بالکل غلط فہمی ہے. اس قسم کے اگر تجربات پاکستان کرتے رہے, یہ اداروں کی مضبوطیاں, یہ پالیسی والیسی کے سکسیز, یہ سب باتیں دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گے. گراؤنڈ کے فیکٹ جو ہے اس جگہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سارے مشرقی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر یہ ترقی ہوئی ہے, اس کا تمام کا ماڈل یہی ہے چائنا سے لے کر اور جاپان تک, کہ انہوں نے ایک پارٹی یا ایک شخص کو اور ایک پالیسی کو فوقیت دی ہے. یہ نہیں کہ اب اگلی آنے والی پارٹی کیا کہہ رہی ہے, آپ دیکھ لیجیے دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں پہلا کام یہ کریں گے جتنی انہوں نے ترقی کی ہے سب کو ہم ختم کر دیں گے, بالکل ختم کر دیں گے. ہمارے یہاں تو ترسل اور کنٹینیوٹی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پارٹی جو ہے وہ دشمنیوں کی حد تک جاتی ہے, کسی کو یہ کہہ رہی ہے؟ سر وہ تو میچورٹی نہیں ہے آپ کی اور اتنا ان کو سینس بھی نہیں ہے. بہت شکریہ منور مرزا, تھینک یو سو ویری مچ سر, آپ کے ڈیو ریسپیکٹ, آپ کی بہت ساری باتوں سے جو ہے وہ اتفاق کی اپنی رائے ہے. بہرحال لیکن یہ جو اکانومی کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی جو سارے معاملات رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو اکانومی کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت ورسٹ پوزیشن آپ کی اکانومی کی جو ہو چکی ہے. آپ کے انٹرنل ایکسٹرنل جو ڈیٹس ہیں یعنی اندرونی اور بیرونی قرض ریکارڈ ہائی کے اوپر ہیں, اور یہ کیوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور بیرونی جو سرمایہ کار ہیں ان کو لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. ٹیکسز کی اگر شرح دیکھ لی جائے تو ٹیکسز کی شرح اس وقت خطے میں سب سے زیادہ ہائی ہو چکی ہے. جتنے ٹیکسز یہاں پر لگائے گئے ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ریونیو جمع کیا گیا وہ تھرو ٹیکسز جمع کیا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مہنگائی جو خطے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے, اور جتنی بھی اشیاء خوردونوش کی قیمت ہے وہ سب آپ کے سامنے. یہاں بھی ایک بریک بھی لیں گے جی, اور نور مرزا صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں تو اتفاق بھی کروں گی, لیکن کیونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں صحیح بھی کی اور جس طرح سے وہ دے رہے تھے ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے وہ بالکل صحیح بات ہے. اس پہ بعد مزید بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید مہمان ہوں گے, اسٹے ٹیون دیکھتے رہے. گڈ مارننگ کراچی. Bye.
جی ایک مطلب پھر گڈ مارننگ کراچی، گڈ مارننگ پاکستان، جی گفتگو ہو رہی تھی خبریں کے حوالے سے جی، اور ملکی سیاسی صورتحال پر بھی بات کی، اور بات کی ہم نے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جی اس حوالے سے بھی. ابھی پروگرام کا نیکسٹ سیگمنٹ سٹارٹ ہو گیا جی، جس میں ہم بات کرتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آپ کے منتخب نمائندے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گی سینیٹر خوشبخش شجاعت صاحبہ، ایم کیو ایم پاکستان سے ان کا تعلق ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ خوشبخش شجاعت صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خیرالنسا مغل صاحبہ، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ایم پی اے ہیں، اور ان کے ہمراہ موجود ہیں اشتیاق بیگ صاحب جو کہ پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی، خیرالنسا مغل صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے جاننا چاہوں گی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نعرہ لگا دیا نئے صوبے کا پنجاب میں، تو اب مزید آگے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ، بہت اچھا کیا انہوں نے، بہت اچھا کیا. بسم اللہ، یہ مجھ سے وہ سمجھی نہیں. اچھا پہلے ان کے اوپر دیکھیے، ساری دنیا میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گی کہ 22 کروڑ کی آبادی میں 4-5 صوبوں میں کام چل رہا ہو. یہ صرف پاکستان ہے، اور اس کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی وہی لکیر کھینچتے رہتے ہیں اور اپنے اپنے مفاد کی خاطر عوام کا مفاد نہیں دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، انڈیا میں دیکھ لیجیے، آپ امریکہ میں دیکھ لیجیے، آپ دنیا کے کسی چھوٹے چھوٹے علاقے میں دیکھیں، وہاں کئی صوبے ہوتے ہیں، کئی علاقے ہوتے ہیں جن کو ان کے اختیارات دیے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ صوبے زیادہ بناتے ہیں، اور وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے بنائے جاتے ہیں، اس میں نیا نہ تو سیاست کا عمل دخل ہے. ہمارے یہاں تو کہنا چاہیے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ ہر ایک پر یہ سوچ کر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ملک کو توڑ دے گا، یا یہ ملک کا غدار ہے، یا اگر صوبے کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو یہ ملک کا غدار ہے. ہمارے یہاں تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے 22 کروڑ کی آبادی پہ کم از کم 20 صوبے ہونا چاہیے ہمارے ملک میں، اور ان 20 صوبوں کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے منقسم کر کے ان کے تمام وسائل اور ان کے تمام مسائل کو بیلنس کر. اصولی طریقہ ساری دنیا میں یہی ہے. تو اگر بلاول بھٹو صاحب نے یہ لگایا ہے نعرہ، تو بھی میں سمجھتی ہوں ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، انہوں نے اس معاملے کو اس طرح بھی دیکھا. اور یہی وجہ میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ صوبوں میں ایک احساس محرومی ہے. آپ آئیں اور آ کر ہماری پارلیمنٹ کی تقاریر سنیں، آپ سینٹ کی تقاریر سنیں، بلوچستان سے لوگ کھڑے ہو کر اپنی محرومی کا رونا روتے رہتے ہیں. میں پچھلے 5 سال میں نے تھی وہاں سنتی رہی، یہاں بیٹھ کر پھر ہم صوبہ سندھ سے آتے ہیں. آج سندھ کا جو احساس محرومی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمام جو وسائل ہیں وہ کسی ایک صوبے کو چلے جاتے ہیں، اور وہ صوبہ ترقی کرتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، بہرحال ہمارے ملک کا حصہ ہوتا ہے، لیکن باقی صوبے جو ہیں وہ اپنے تمام وسائل دوسری جگہ پہنچاتے رہتے ہیں اور خود بیچارے ننگے بھوکے سوتے رہتے ہیں. اچھا خوشبخش شجاعت صاحب، میں جاننا چاہوں گی، لیکن جب یہ نعرہ یہاں سندھ میں لگتا تھا، کراچی میں لگتا تھا، الگ صوبے کا مطالبہ کیا جاتا تھا، تب کیوں آپ کی جماعت کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ میں اسی سینیریو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں اسی سینیریو میں بات کر رہی ہوں. کراچی جیسا شہر جس کی 2 کروڑ کی آبادی، مجھے بتا دیں کتنے شہر دنیا میں 2 کروڑ کی آبادی ایسے ہیں جو ایک ہی مرکز سے متحد ہوں گے، اس میں ہر حالت میں ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے، کہیں کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، کہیں کسی کو کم. اگر کراچی کے لیے کہا گیا تھا تو وہ سندھ توڑنے کی بات نہیں تھی، وہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو آیا تھا، اور کوئی اس میں کسی قسم کی لیکن یہ جو شہر بھر میں یہ جو ساری جو وال چوکنگ ہوئی، یہ ایتھنک بیسس کے اوپر ہوئی، اور اس کا ایجنڈا ایسا لگتا تھا، محسوس یہ ہوتا ایتھنک بیسس کے اوپر جو ہے اس الگ صوبہ بنائے جانے کی بات کی جا رہی تھی، یہ وہ وجہ بنا جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ زیر التوا رہا ہے معاملہ، یا اس پہ زیادہ کنفرنٹیشن رہی ہے آپ کے خیال میں؟ میرے بھائی، میرے بچے، مجھے آپ یہ بتا دیجیے کہ کوئی بھی صوبہ بنے گا تو جو اس علاقے کے جتنے زیادہ تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں انہیں کے حساب سے بنے گا نا. تو اگر پنجاب میں کوئی صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کوئی نام تو دیا جائے گا نا.
نہیں لیکن اگر ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کے اوپر اگر اگر الگ صوبے کی بات کی جاتی یہ اگر ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تو شاید پھر بات آگے بڑھ سکتی تھی, لیکن جب بات ایتھنک بیسس پہ ہوگی تو پاکستان میں تو پہلے سے بہت زیادہ پرابلم ہے, تو اس کو مزید فیول کرنے والی بات تھی. میرے بھائی انفلوئن جب کوئی بات کریں گے نا تو آپ اس کو محسوس کرنے لگیں گے اسی انداز سے, کیونکہ وہ انفلوئن کہہ رہی ہے. حالانکہ یہی بات آج پنجاب کے لیے کہی جا رہی ہے, سیم ٹو سیم بات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب خیر النساء کی ذرا میم سے وہ پوچھیں. جی 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 ٹھیک ہے, خوشبو شہزاد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. خیر النساء مغل صاحب آپ کی جانب آؤں گی, نعرہ لگا دیا نیا, جبکہ یہاں جب لگتا تھا تو وہی ابھی میں نے جب سے بات کی کہ ایم کیو ایم یہ نعرہ دیتی تھی تو اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اب خود پنجاب میں نعرے لگا رہے ہیں الگ صوبے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, بہرحال حقیقت تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ کیا فرق ہے, آپ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے سوال تو آپ کا بنتا ہے. بہت فرق ہے اس نعرے میں اگر سندھ میں لگتا ہے یا سرائیکی میں. سرائیکی صوبوں کی جب بات ہوتی تو وہ علاقہ یا وہ قومی جو ہے وہ ارتقائی عمل کا مطلب ایک بہت لمبا سا لگتا ہے کہ وہ ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں پھر وہ صوبوں کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح سرائیکی اور ہزارہ بیلٹ جو ہے وہ ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. اور ایک بات یہ کہ تاریخی اعتبار سے کبھی بھی سرائیکی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ پنجاب کے اس میں نہیں رہا تھا. پارٹیشن کے بعد جو دو پنجاب کے حصے ہوئے تھے, میجر پارٹ تو وہاں بھارت کی طرف چلا گیا, جس کے بعد میں بھی دو پارٹ ہوئے تھے, ہریانہ تھا اور پنجاب تھا. یہاں پر جو ہمیں سمالر پارٹ ملا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ راجہ رنجیت سنگھ جو قبضہ ہوا, اس کے بعد جو انگریزوں نے اس کو ان سے آزاد کروایا تو اس میں ساؤتھ پنجاب ہی تھا. اب بات یہ وہاں کی احساس محرومی یہ ہے کہ ان کی زبان, ان کے کسٹمز, ان کے ٹریڈیشنز اور تمام چیزیں جو ہے وہ ان سے بالکل ایک تو الگ ہیں, اور وہ کبھی بھی پنجاب کا حصہ نہیں رہا تھا. یہ اس طرح کی جو کمپوزیشن ہوئی تھی اس کے نتیجے میں, اور اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں پر صوبائی طور پر, کیونکہ یہاں پر آئینی ایک معاملہ ہے, پاکستان بنا تھا تو سندھ اسمبلی نے قرارداد پیش کی تھی اور پاس کی تھی. یہاں پر گراؤنڈ پر آپ کتنا بھی کچھ کہیں لیکن اس کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس کو اسمبلی سے پاس کروائیں. یہاں پر نون لیگ کی ہمیشہ حکومت رہی اور انہوں نے یہ تو صرف ساؤتھ پنجاب والے کہتے ہیں کہ ان کو احساس محرومی میں رکھا, نہ ان کی ایجوکیشن, نہ ان کی ہیلتھ, نہ ان کا روڈ سیکٹر جو ہے کوئی کسی طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, اور وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کا یہ حال ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ ویسے بھی نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے وہ چھوٹے صوبوں کا استحصال جو کرنا, ان پر ظلم کی حد تک جو ہے وہ ان کا استحصال کرنا, ان کے اپنے وسائل جو چھوٹے صوبوں کے ان کا استحصال کرنا, اور یہ اتنی فطرت ان کی کامن ہے کہ ان کے اپنے جو منسٹر, وفاقی منسٹر, آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے صوبے سے اگر تعلق رکھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہیں, غوث علی شاہ تھے, پیر صابر تھے اور اپنے حکیم بلوچ تھے, تو وہ فون پر بات کرنے کے لیے ترستے تھے. تو اس طرح کی چیزیں کرنا, اور سندھ کا جو حال ہے یا بلوچستان کا جو حال ہے, یہ ایک فیڈریشن کی کہانی ہے. ٹھیک ہے, اگر فیڈریشن آپ کے جو ہے وہ یونٹس کو کمزور کر رہی ہے, جس سے براہ راست فیڈریشن کمزور ہو رہی ہے, یہ معاملہ وہ ہے. کراچی والا معاملہ الگ ہے, کراچی میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. وہ جو ہے غربت کی وجہ سے, وہ جو ان کی احساس محرومی آتی, اگر ہم سندھ میں دیکھیں گے تو گھوٹکی کا جو آدمی ہے, گھوٹکی کا لوگ ہیں, وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہے, وہ دقت میں ہے. تھرکا جو ہے اس کو کہنا چاہیے, لاڑکانہ, جیکم آباد, یہ پسماندہ ایریا, وہ وہاں کے نہیں آ رہے. یہاں پر صرف ایم کیو ایم کا گروہ ہے جس کا ایجنڈا ہی انتشار پھیلانا تھا, جس کو ضیاء الحق نے بنائے اس لیے تھا, ان کو اسلحہ دے کر, ان کو منشیات دے کر, بوریوں میں بند لاشیں دی گئی, ان کو بھتہ خوری, ٹارگٹ کلنگ, تو یہ بھی ایک مخصوص گروہ ہے, اردو بولنے والے کی نہیں ہے. اچھا ایک بات میں صرف تھوڑا سا کمپلیٹ کروں گی, تو یہ آپ نے انٹرپٹ کیا تو وہ ذہن سے نکلے, میں اس کا ایک, یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ گروہ کہتا ہے کہ جو بندرگاہ ہے, مین بندرگاہ والا شہر, ان کا المیہ, ان کا المیہ الگ تھا. یہ جو لوگ ہیں یہ پہلے سے ہی ترقی یافتہ شہروں میں رہتے ہیں, پنجاب سے آئے ہوئے لوگ بڑے شہروں میں رہتے ہیں, ترقی یافتہ لوگوں میں شہروں میں, اور یہ جنہوں نے مطالبہ کی یہ بھی پہلے سے ہی بڑے شہر میں رہتے ہیں ترقی یافتہ. اب یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مین بندرگاہ ہے وہ ہمیں دے دی جائے. چل, اچھا اشتیاق بھائی صاحب آپ کی جانب آؤں گی,
यहाँ पर सूबे का नारा लगता था तो वो उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया, वहां पर अब लगा दिया है, वहां पे वो बता रहे हैं कि नहीं। लेकिन अभी भी बात जब इन्होंने की तो उन्होंने पर्टिकुलरली वही बात की कि कौमियत की सराई की सूबा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे भी अगर कहा जाता है माजरों के लिए जी कि अलग सूबा बना दिया जाए तो फिर क्यों बुरा है और इसमें क्या फर्क है? मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता, आप क्या कहेंगे? पता देखिए कि मैं इस पेपर के अंदर हूँ कि सूबे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बनने चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिया के अंदर आप जाएंगे तो कई दर्जन जो है वहाँ के ऊपर सूबे हैं, बड़े कामयाब ये सिस्टम किया है। मगर मैं लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर जो है सूबे के हक में नहीं हूँ कि लैंग्वेज किस पे बनाया जाए कि यहाँ पे उर्दू बोली जाती है, वहाँ पे सराइकी बोली जाती है, उस फेवर में नहीं हूँ। अब आ जाइए, कल बिलावल भुट्टो साहब ने जो ये बयान दिया है, क्योंकि कल आपने देखा है कि जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे कुछ लोग जो थे उन्होंने इसका नारा लगाया है और बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है, मगर जब कराची के लिए लगाया जाता था तो उस वक्त वो नहीं करते थे। देखिए हो ये रहा है कि कराची के अंदर भी ये था कि ये सिंध भी है, एक बड़ा है, और अगर इसको क्या कहते हैं एक सूबा कराची को बना दिया जाता तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना सिर्फ कराची के लिए अच्छा होता बल्कि इंटीरियर सिंध के लिए बड़ा अच्छा, क्योंकि होता ये है। इसमें देखिए कराची की सबसे बड़ी देखिए प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, क्यों? पहले तो आप इसके अंदर जरा तारीख में जाएं कि क्यों इसकी आवाज लग रही है। आज जनूबी पंजाब इसलिए लगा रहा है ना कि हमारे पे तवज्जो नहीं दी जा रही, हमें ऑन नहीं किया जा रहा। एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन विद कराची, कि कराची के ऊपर आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कराची पे क्या हो रहा है कोई ऑन नहीं कर रहा, कराची में डेवलपमेंट वर्क क्या किया पीपल्स पार्टी ने, यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी ने वर्क। कराची यही कहता है कि खुदा रहा आप कराची के जब नुमाइंदे आए हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट के अंदर, वो क्या शिकायत करते हैं आपके प्रोग्राम में आके, ये कहते हैं कि जी हमें फंड्स नहीं दिए जा रहे डेवलप। जब देखिए एहसास महरूमी डेवलप होती है तो ये इस चीज के नारे का जो है वो सबब बनती है। तो मेरे ख्याल से कि हम दो सिस्टम लेके नहीं चल सकते कि बिलावल साहब जो है वहां के लिए तो कहें कि हाँ जी होना चाहिए और कराची के लिए कहें कि नहीं जी कराची के लिए होना चाहिए। वहां की पोजीशन, डोंट यू थिंक कि पंजाब की पोजीशन जो है वो यहाँ से अक्सर मुख्तलिफ है, क्योंकि पंजाब की अगर बात कर लें तो वहां का कैपिटल जो है वो लाहौर है और वहां से सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात हैं उनको चलाया जाता है। जनूबी पंजाब का एक सबसे बड़ा कंसर्न ये रहा है कि हमेशा कि उनको बड़ी प्रॉब्लम रही है कि वो यहाँ से जाते हैं वहाँ लाहौर जाकर उनको मामला हल करवाना चाहते हैं, लेकिन ये तो कराची है कैपिटल, तो यहाँ पर है मामला, तो यहाँ से एक चीज है यहाँ पे लोग शिकायत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं जो है वो ज्यादा लाहौर के अंदर जो है खर्च किए जा रहे हैं और वहाँ नहीं किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कराची के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है और ज्यादातर 90 अरब रुपए लाड़काना पे खर्च किए गए, 90 अरब रुपए के, मतलब जो को चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस ने ये कहा, चीफ जस्टिस ने ये कहा कि 90 अरब रुपए कहाँ पे खर्च हुए हैं, मतलब लड़काना के अंदर। देखिए एहसास है मैं इसका मुझे रिस्पॉन्ड मुझे अभी करना है। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि हम सियासी जमातों के लोग तो ठीक है इस तरह की चीजें, और मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं ये नहीं कह रही कि बेबुनियाद, लेकिन इसकी कोई तीन चीजें इन्होंने कहा कि 90 अरब की वाली बात जिसने पिटीशन डाली थी, जब इन्वेस्टिगेशन हुई वो पिटीशन उन्होंने विड्रॉ की इसलिए कि वो 90 अरब थे ही नहीं, 29 अरब थे जिनमें से 25 अरब जो है वो एनएचए को दिए गए थे, जिनका वो हिसाब एनएचए से ले, 4 अरब डिस्ट्रिक्ट को मिले थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, न कहा 90 अरब कहा 4 अरब, और 4 अरब की कहानी जो है वो बिल्कुल पूरी अगर आपके प्रोग्राम में आगे मौका देंगे तो उसका। देखिए 90 अरब का एक पढ़ा लिखा तजिया कर अगर कहता है अभी तक वो 90 अरब की कहानी लेकर जिस शख्स ने पिटीशन डाली थी वो भी ठीक है। अच्छा, अब ये इशू अभी दूसरी बात ये कि अगर आप कहते हैं कि ये एग्जैक्टली यही पॉइंट है, ये नहीं है। आप यहाँ देखें कि यहाँ आवाज आनी चाहिए जो पसमांदा है, जिस तरह साउथ पंजाब के लोग हैं, तो यहाँ पर थर वो सिचुएशन थर के साथ है और उसके साथ है, घोटकी के साथ है, लाड़काना के साथ है। कहते हैं कि कराची को कुछ नहीं मिला, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो हिस्सा है कराची को ही मिला है। 37 अरब का बजट जो है अभी कराची, शुजात साहब आपकी जाने पाऊंगी, 37 अरब का बजट मिला है, सबसे ज्यादा बजट मिला है। और बल्कि इश्तियाक बेग साहब तो कह रहे हैं कि अगर एहसास महरूमी का ही लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो तो कराची के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे भी बुनियादी जरूरियात और जो मसाइल है वो तो वही के वही है। आप क्या कहेंगी? अच्छा दीदी, एक तो ये कि कुछ आपका टेलीफोन सिस्टम ऐसा था कि मुझे इन दोनों की गुफ्तगू बिल्कुल सुनाई नहीं दी, लेकिन हाँ जो मैं जरा कुछ अपना अंदाजा लगा पाई हूँ, मैं उसका तो जवाब नहीं दूंगी, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगी। वो ये
कराची पूरे मुल्क का कमाऊ पूछ है, 72% रेवेन्यू देता है, ये पैसा बना के देता है तो दूसरे शहर और सूबे चलते हैं, ये वहाँ उनको वसाइल मुहैया करता है तो वो सूबे चल रहे हैं। एक ऐसा सूबा, एक ऐसा शहर, एक ऐसा बड़ा शहर जिसका मौसी हब है और उसमें कूड़े के ढेर पड़े हुए हों, उसमें लोग बच्चे भूखे सो रहे हों, जहाँ तालीम की सहूलियात ना हो रही, कितना बड़ा कॉस्मोपोलिटन सिटी और उस सिटी को संभाला ना जा रहा हो, क्योंकि देखिए जितना प्याला होता है उतना ही पानी भरा जाता है। इतने बड़े 2 करोड़ के शहर में अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी सही ना चल पा रही हो तो बिल्कुल हक बजानिब है कि उसको एक अलहदा सूबा बना दिया जाए। और ये देखिए तो हराम है, ये बातें हमें छोड़ देना चाहिए। 300 अरब वाली कहानी भी बता दें, सोचना चाहिए कि आप ये देखिए कि कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ढीली पड़ रही है, कहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रही, कहाँ हाथ से निकल रहा है तंजीमी मामला। और अगर आप कराची को देखें तो इतना बड़ा शहर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, उसकी सूरत हाल आपके नहायत पसमानदा इलाके से भी बदतर है, तो जरा आंखें खोल के तो देखना चाहिए ना। बिला वजह हम अपने एक दूसरे के उसमें गोभी में ना बोले। देखिए एक चीज बात समझ आ गई, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जी खुशबख्श शुजा साहिबा खैरुन्निसा जो है इसके ऊपर कमेंट कर रही हैं जी, 65 अरब का बजट था, मैं आपको बता रही ना, और मैं मुझे बड़े अफसोस की बात यहाँ पर ये हो रही है कि बिल्कुल मैं मुझे यहाँ लगा कि 22 होकर एक तजिया कार को बात नहीं करनी चाहिए। अभी कहा कि यहाँ पर शिकायतें कर रहे इनके नुमाइंदे कि हमें बजट नहीं मिलता, लेकिन जो पढ़ा लिखा शख्स है उसको हकीकत भी पता है कि असेंबली के फ्लोर तक इन चीज की वजाहत की गई। अगर नहीं भी तो हम पढ़े लिखे हम अपना बजट बुक उठा कर देख लें, अभी जो काम भी हो रहे हैं आज तक जो हुए उनका मुवाजना भी कर सकते हैं। 65 अरब का बजट था, उसमें से 37 अरब सिर्फ कराची के लिए रखा है, कितना परसेंट, मोर देन 50% हो गया, ठीक है। उसके बाद 50 करोड़ रुपए माहाना स्पेशल ग्रांट दी जा रही है कराची को, ताकि इनके जो वो घोष मुलाजमीन थे, इन्होंने वो जो उनकी तनख्वाहें हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, KMC DMC इनको दी जा रही है। और रही इख्तियारात की बात के अभी भी बात की, इख्तियारात जो कानून बना था वो कानून सबने मिलकर बनाया था, उसमें MQM भी शामिल थी। उन इख्तियारात के तहत जिसका जो काम है वो कर रहे हैं। इनका रोना ये है, इनका असल में रोना ये है कि ये जो 300 अरब इनका तो जिक्र गोल कर जाते हैं, इनको 300 अरब जो मुशर्रफ के जमाने में मिले थे उसमें उन्होंने क्या शहर कराची का नक्शा बदल सकता था। आप भी सवाल कर सकते हैं कि अगर आपको वो जो मौका मिला था, आपके नाज़मीन को वो डिक्टेटर ने इतना पावरफुल किया था कि हमारे MPAs MNAs वो तो बिल्कुल सफाए हस्ती पर ही नहीं थे, अच्छा उनके फंड्स भी इनको मिले थे, इनके नाज़मीन को फिर स्पेशल ग्रांट्स दी गई थी वफा की। अब वो उसमें ये था कि उन्होंने बहुत अच्छे मजे किए, अयाशियां की, बड़े ऐश कर लिए, अब उनको वो चीजें नहीं हो पा रही कि जिनसे वो भत्ते भी ले सके, भत्ते बाहर पहुंचा सके। एक अच्छा, एक चीज का जरा तस्करा कीजिएगा, आपने इसका कंपैरिजन कर दिया पास्ट में, जो ये जो इनको पैसे मिले और उनको उन्होंने यूटिलाइज किया, वो कराची के शहर के लोगों ने विटनेस तो किया, वो देखा हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुई, वो रोड्स नए बनाए गए, वो जो नेमतुल्लाह के जमाने में जो प्रोजेक्ट शुरू हुए थे वो उनको कंप्लीट किए गए, लेकिन 300 अरब का ऑडिट भी नहीं हुई थी, ऑडिट नहीं हुई थी, ये बात ठीक है कि उसका ऑडिट हो जाना चाहिए, और भी बहुत सारी जगह ऑडिट नहीं हुआ। 50 करोड़ महाना सिर्फ ये इनको, और वो जो महरूमी का जिक्र किया था ना कि अगर एजुकेशन या हेल्थ या भूखा और इस तरह का, ये पूरे मुल्क का मजबूरी है, ये अगर कराची में अगर किसी को इशू है तो ये जो दही इलाके हैं उन वहाँ पर भी तो ये सब का प्रॉब्लम। तो ये चीज तो नहीं हो सकती ना। मैं शुजा साहिबा की जाने वापस जाऊँ, फिर शुजा साहिबा खैरुन्निसा मुगल साहिबा कह रही है कि वो हमने जो है वो 37 अरब का बजट भी यहाँ पे कराची में लगाया है और इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, तनख्वाहों की मद में बहुत ज्यादा बजट इस वक्त जा रहा है, आपके DMC वगैरह KMC की भी बात कर रही है और बहुत सारे मामलात की। तो सवाल ये उठता है अगर इतनी सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, ठीक है हम तो अग्री कर लेते हैं, लेकिन फिर वाटर कमीशन क्यों बन रहा है, जो इख्तियार इनके पास है वो क्यों कोर्ट में चल रहा है, CM को बुला के पूछा जा रहा था बुनियादी पानी के मसले के ऊपर ही कि जी आप पीने का पानी साफ नहीं फराम कर सके तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का निजाम हमारे सामने, ये चीजें हम फिर किससे गिला करेंगे, आप कहते हैं वो कहते हैं आप, क्या होगा इसमें फिर, आप क्या समझती हैं भाई? दीदी बात ये है कि अगर बुक्स निकाल देना, पीना बुक सदूरत और ये इख्तलाफ बहुत नुमाया किस्म का,
निकाल दिया जाए और इस वक्त को अपने दिल से निकाल के बात की जाए, कौमी सतह पर बात की जाए और वतन के हिसाब से बात की जाए, तो बिल्कुल गुफ्तगू का अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है। लेकिन जब आप बहुत बोझने से बात करते हैं तो फिर आपके पास दलाई नहीं होते हैं, आप चाहे कितना सीखे हैं, कितने गलत गलत आप आजाद शुमार बताते रहे टीवी पर बैठ कर, फैक्ट इज फैक्ट। और फैक्ट ये है कि अगर मुशर्रफ के जमाने में 2003 से 2007 तक इनका कहना है और बिल्कुल है कि बजट मिला और अख्तियार दिए गए, उन इख्तियार से जो काम दिया गया वो लोगों के सामने आया, दुनिया के नक्शे पर कराची 11वां बड़ा सिटी बन गया, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर करार पाया था, ये तो रिकॉर्ड पर है, इस रिकॉर्ड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जिस तरह उस वक्त डेवलपमेंट वर्क हुआ और तरक्या के काम हुए वो भी सारे रिकॉर्ड पर है, उसे भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम बजट, तमाम इख्तियार, तमाम चीजें हफ्ता के पूरा तक उठाने की जिम्मेदारी उनके पास चली गई है और यही वजह है कि तमाम बल्दियाती इतारे भी हाथ पर हाथ धरे गए हैं। नंबर दो बात जो मैं कहूँगी वो ये कि अब तो हद हो गई है कि तमाम यूनिवर्सिटीज भी उनके अंदर जा चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता आप ये देख लीजिएगा कि पूरा सपोर्ट ना करें इदारों को, जिन इदारों को अपनी अपनी जगह काम करना चाहिए और ऊपर से नीचे इख्तियार को का बहाव आना चाहिए और ऊपर के इख्तियार नीचे और नीचे के इख्तियार नीचे जाने चाहिए काउंसलर की सतह तक। अगर वो इख्तियार की सतह से ऊपर ही जमी रहेगी तो ये ठहरा हुआ पानी है जो बदबूदार है। अच्छा खुशबू सुजात साहब, जी जी जरूर जरूर, इसके ऊपर भी आपके अभी मजीद आपसे इस बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे अभी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई थी, 18 अमेंडमेंट की बात हुई थी, तो उसके तो सपोर्ट में थे और जब चीफ मिनिस्टर ज्यादा अगर पावरफुल हो जाएगा तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा ये कि जो अगर लोकल बॉडीज के हवाले से बात हो रही है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अभी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। अगर कराची में जिस तरह मेरी बहन बता रही है कि इतने अरबों रुपए खर्च किए गए तो वो नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, 75 अरब रुपए वफाक ने सिंध को दिए हैं जिसके अंदर ग्रीन बस सर्विस जो तोहफा है ना, ये सिंध गवर्नमेंट का नहीं है, ये तोहफा वफाक का है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम क्या थी ये आपको इस चीज का अंदाजा है। K4 वाटर प्रोजेक्ट जो है ये तोहफा किसका है, ये वफाक का है। कराची हैदराबाद का बन रहा है ये भी वफाक ने दिया है। ये जो हमारा लियारी जो बनाया गया था एक्सप्रेस वे जो बनाया है इसका कंप्लीशन के अंदर भी कह रहा डाले 25 अरब रुपए अभी रिसेंटली वफाक ने दिए हैं। लास्ट टाइम जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए तो वो खुद ये प्रोजेक्ट ग्रीन सर्विस देखने गए उसके अंदर, क्योंकि उनको पता है कि कराची की प्रॉब्लम क्या है। अगर इतना हमने कराची में काम किया जितनी मेरी बहन बतला रही है तो कराची तो लाहौर की तरह चमकना चाहिए। प्लीज कभी लाहौर जाएं, कराची वाले ऐसा से महरूमी का शिकार होके आते हैं वहां से, जब लाहौर को देखते हैं तो लगता है कि हम किसी वेस्टर्न कंट्री के सिटी के अंदर घूम रहे हैं, जब कराची आते हैं तो एहसास महरूमी हमें शुरू होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कुछ दिनों पहले आपका प्रोग्राम में एक हुआ था कि जितने टोटल डेवलपमेंट फंड्स थे 40% उसका खर्च हुआ है और 60% लैप्स हो रहा है, मींस पैसे आपके पास है बट आपके पास प्रोजेक्ट नहीं था, नहीं किया। देखिए हमेशा क्या एमक्यूएम की क्या शिकायत है, MQM की शिकायत ये है कि जी कराची को ओन नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी ये कहती है क्योंकि हमें यहाँ से वोट नहीं मिलते तो हम यहाँ पे क्यों खर्चा करें, मतलब जिसकी वजह से सिटी जो है, अगर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट काम हुआ था वो मुशर्रफ के वक्त के अंदर हुआ था, मुस्तफा कमाल साहब जब थे उस वक्त हुआ है, उसके बाद तो कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल उसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई है, मतलब तो वक्त आ गया। देखिए ये महरूमियां ये मत सोचें, एक अमीर शहर महरूमी नहीं होती, एक अमीर शहर को भी महरूमी होती है। कह रही थी कि जब लेजिस्लेशन हो रही थी इसका पार्ट तो रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहीं ना कहीं इनके पास तो है, मेयर होना एक बहुत बड़ी बात है, मेयर आपका है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग आपके पास हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन के ऊपर आपके लोग मौजूद हैं। देखिए यहाँ से मैं अगर नहीं जा रहा तो सिर्फ मैं एमपीएम का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, कराची के अंदर जो हालात मैं देख रहा हूँ, कराची को किसी ने ओन नहीं किया, कराची की महरूमियां हैं और यही महरूमियां एमक्यूएम को एक नारा लगाने पे बिलीव कर रही हैं कि हमें भी अलग सूबे का वो दो ताकि हमारे से जो आप इनकम कमा रहे हो 70% वो जो है कराची के ऊपर भी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अपनी अपनी कोताहियों पर जो है वो ध्यान हटाने के लिए एमक्यूएम
नहीं, का ये, बड़ा इनका हो रहा है, मुझे बात चमकने की पहली बात तो ये कि तारीख ये देखती है कि आपने स्कूल सॉरी एजुकेशन में आपने क्या दिया, हेल्थ में क्या दिया, आपने कभी मेरी बात तो सुन लेना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई कॉलेज नहीं बना नया, कोई हॉस्पिटल आप काबिले जिक्र बता दें कि सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना। उसके बाद अगर पूरे मुल्क का बजट, पूरे मुल्क का तीनों सूबों को आप एहसास महरूमी में रखें, आप उनके वसाइल का इस्तेमाल करें, और उसके बाद अपने सूबे में भी एक हिस्सा जो है मखसूस उसको तो आप एक तरफ रख दें, तो एक लाहौर को चमकाने में और उसमें क्या आपने बड़ा कारनामा कर दिया। बात ये होती है कि यहाँ पर तीन चार बातें हो गई। एक बात तो ये उसकी भी हो गई, 18 अमेंडमेंट की भी हो गई, और वो जो हमारी बहन जो फरमा रही थी कि 18 अमेंडमेंट को उन्होंने छेड़ा इनडायरेक्ट, ठीक है, उनका रोना ये था कि अब वजीर आला को इख्तियार कैसे जाएंगे। तो इनको देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा देखें कि हम जो है गवर्नर, एक तो 18 अमेंडमेंट के बाद ये सूबे का डोमेन है, दूसरा ये कि गवर्नर के कॉन्डक्ट पर या उस पर आप बात नहीं कर सकते। आप जो भी वो हम आपको शिकायतें हैं एजुकेशन में, आप ना असेंबली में बात कर सकते हैं, ना ही वो आपको जवाबदेह है। तो ये तमाम तर जो वो आ गए, ये खाते सुबह को मिले, तो ये तो होना ही था, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं कि आप लोग। दूसरा बात है कि इनकी बात कोई अहमियत इसलिए नहीं कि एक कराची का उर्दू बोलने वाला, जो उर्दू बोलने वाली कौम है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल सिविलाइज्ड है। ये जो आवाजें हैं ये उनकी नहीं है, ये ग्रोह है, ग्रोह है जिनका जो काम मैंने आपको बता दिया, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। बाकी रही बात तो मेरे भाई ने बड़ी नून ली कि ये इतनी सारी का चीजें हो रही थी, तो आपके यहाँ से एक चीज थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपके पास फेडरेशन का ये काम होता है, फेडरल हुकूमत का, कि आपके यूनिट्स का जो कुदरती आफात होती है, ये इस तरह के सरकमस्टेंसेस होते हैं, तो आप उनका बोझ भी उठाएं। सिंध में अगर अमन अमान की सूरत हाल है तो वो वफाक वादा करके उसको पैसे नहीं देता। अभी इन्होंने कहा ना कि K4 और ग्रीन बस, ये थोड़ा बजट भी तो बता दें कि कितना आपने दिया या कितना नहीं दिया। लेकिन खरूं सा, एक क्वेश्चन ये आपसे, क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही, ट्रेड आप दे सकते हैं, सिंध का ड्यू शेयर दिया है, की बात अगर बलूचिस्तान में आपने क्या किया, वफाक में आपकी हुकूमत थी वहाँ पर भी, तो मैं उसका बता रही हूं, ब्रेक की तरह जाना है मुझे, कमर्शियल ब्रेक है जी, थोड़ा सा एक ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे ट्यून्ड देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक बताओ फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी बात हो रही है सियासी सूरत हाल पर, खासतौर पे सूबे का नारा लग चुका है जी, उस पर गुफ्तगू हो रही है। खैर नसा मुगल साहिबा, आपसे गुफ्तगू जारी थी जी, आप कहिए जी। बात हो रही थी इस हवाले से कि जैसे खुशबू शुजा साहिबा से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि जनाब ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो है इसको कैसे अथॉरिटी मिल गई कि वो यूनिवर्सिटीज का चार्ज है वो संभाल ले, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज है, तो मैं चाहूंगा इसको भी थोड़ी सी इसके ऊपर बात हो जाए कि उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इसके पंजाब में बहुत बड़ी तरह की जी, 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 इस तरह की बातें हो रही थी, तो वो मैं आपको थोड़ा सा तो बता चुकी कि ये लोग जो हैं वो किसी जो हमारे उर्दू बोलने वाले हैं वो बड़ी अच्छी एक वेल ऑर्गेनाइज लोग हैं, और जिनकी वाकई भी कुर्बानियां थी, उनकी नस्लें हैं, ये पाकिस्तान जब बना था, लेकिन ये ग्रोह है जिसको जियालत ने एक जमहूरी पार्टी के खिलाफ बनाया था, और उसका फिर आपने अब दूसरे पॉइंट की तरफ आइए, जो मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि जो वफाक के प्रोजेक्ट हैं वो ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं, और ये चीज हमने विटनेस की है कि बहुत सारी चीजें मटेरियलाइज हुई है, जैसे ये लियारी एक्सप्रेसवे का इशू है और दीगर मामला है, ये जो K4 वाला, K4 समेत इन्होंने जितने भी जिक्र किया, M9 है, ग्रीन लाइन बस, हम रोना रो रो कर थक गए, लेकिन उनका कोई हमें बजट नहीं मिला। ये K4 पर भी इस वक्त सिंध हुकूमत काम कर रही है। अच्छा, उससे पहले भी एक ऑथेंटिक बात मैं एक और बताऊं जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, अमन अमान के हवाले से कि टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हुआ था कराची का, उसमें वफाक का जितना हिस्सा डालना था उन्होंने एक रुपया नहीं दिया था, और ये जो एपीसीज होती थी उनके उस फ्लोर पर जो है सिंध हुकूमत ने जब शिकायत की, तो उस वक्त के हमारे जो हेड थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके सामने की थी, उन्होंने सिंध ने जो किया था कि वफाक अपना हिस्सा नहीं दे रहा,
अगर इस तरह की ये चीजें सिर्फ हम झूठी बातें करें, दावे करें, तो इतने बड़े फोरम पर ये बातें नहीं होती। मैं आपको बताऊं कि हमारा जूस शेयर हमें नहीं मिलता, हमारे अपने जो वसाइल हैं गैस समेत, उनका भी आइन आइन की वायोलेशन करते हैं ये लोग, कि आप उसका जो है मतलब है कि उसको आप जिस सुबह से उसके वसाइल निकलते हैं उसको पहले आप दें, उसके बाद आपका यूटिलाइज करें, तो वो चीज हमारी इस्तेसाल हो रही है। उसके बाद वफाक की जिम्मेदारी के यूनिट्स में अगर कुदरती आफात आ जाए, जिस तरह हमारे यहाँ सैलाब आ जाए या थर में कहत आ जाए या इस तरह की चीजें, तो वो उसके लिए पैसे नहीं होते, लेकिन पंजाब पंजाब की तमाम तर जो इस तरह की मुसीबतें होती हैं उनका तमाम खर्चा ये उठाते हैं। अच्छा, ग्रीन बस की भी बात की, अब आप देखें कराची का शहर जो कितने कई गुना बड़ा है, लेकिन लाहौर का बजट भी आप देख लें और फिर कराची का भी बजट देख लें। कहने की बात यह है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो दूसरे तीनों सूबों को इन्होंने इतना इस्तेसाल में रखा है। आप उसकी गैस देख लें, आप उसकी बिजली देख लें, आपने पार्टी के मैनिफेस्टो जो होता है एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है अहम आइन के बाद, उस मैनिफेस्टो में था कि ये लोड शेडिंग का खात्मे का नारा लगाकर उतरे थे। आप देखें 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये कुछ लोड शेडिंग की जो हालत देख ली आपने। अच्छा, ये टॉपिक एक दूसरा है। जी 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 जी, इकोनॉमी मेरी फील्ड है और आपको मुझे ख्वाब भी इकोनॉमी के नजर आते हैं। इस वक्त सूबे जितने रिच हैं पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहे। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2000 अरब जो थी ना टोटल रेवेन्यू कलेक्शन थी, जिसका 60% तमाम सूबों को डिसबर्स होता है और वो हुआ है, कोई पैसा वफाक ने नहीं रोका। अब 4000 अरब जो है, लास्ट टाइम मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो वो ये रोना ये रो रहे थे कि वफाक ने 75 अरब रुपए तो सिंध को दे दिए, मुझे एक पैसा नहीं दिया। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हमारी हुई है कि वही जैसा खुशबक सुजात भी कर रही थी, कराची से सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है कि जो पैसे आपके पास थे आपने उसको खर्च नहीं किए। टोटल जितने डेवलपमेंट फंड्स थे, यासिर आपको अखबार में आई है ये खबर कि 40% हमारे खर्च हुआ है, 50% हुआ है, बाकी हम नहीं कर सके। इट मीन्स कि हम हमारे में कैपेसिटी नहीं है। दूसरी मेरी बहन जो कुदरती आपात की बात कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन इसे नॉट एक कुदरती आपात, बात प्रॉब्लम है। अगर ग्रीन बस सर्विस है, वहाँ पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने अपने फंड से लगाई है, यहाँ पे ग्रीन बस सर्विस जो है इसके अंदर पैसे दिया है, 75 अरब रुपए यहाँ पे सिंध को मिले हैं। देखिए, अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है, आवाज उठाइए उसके लिए। अभी कुछ दिनों पहले तमाम प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर सबने अपने इशू है। देखिए, हम एक दूसरे को यहाँ पे ब्लेम करने नहीं बैठे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कराची के अंदर वो डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ जो यहाँ पे होना चाहिए था, जिसका ड्यू शेयर था उसको नहीं मिला। अच्छा, एक चीज अमेंडमेंट की जैसा भी आप बात कर रही थी, हम इसको एंडोर्स करते हैं, लेकिन आपकी अपनी भी रिकवरीज है और आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, उनकी अपनी रिकवरीज है, अवेलेबल फंड आपके पास होना चाहिए। अगर अवेलेबल फंड इस्तेमाल नहीं, हमारा रेवेन्यू बोर्ड जो है हमने अलग जब से किया है, हमारी 100% रिकवरीज है। और हम लोग ये आप क्या समझते हैं कि कराची टारगेट ऑपरेशन समेत ये जो कहत की सूरत तो हाल है, तमाम हम लोग एनएससी अवार्ड नहीं दे रहे, ये इन्होंने बिल्कुल गलत कहा। ये पूछा गया कि तमाम मुल्क में चारों सूबों में सबसे ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब आया है। वो गैलप कोई मेरा भाई नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट भी आपको याद होगी कि जिसमें पंजाब को नंबर वन कहा है, मतलब भाई अब और दूसरे नंबर पे केपी के को बनते हैं, लेकिन रिपोर्ट अलग बता पीछे रह गया है। पहले बात है कि आप यहाँ पर बड़ी माजरत के साथ 2-3 चीजें आपने बिल्कुल गलत कही और जिसका कोई बुनियाद है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि बीबीसी की रिपोर्ट भी तो आप बताएं, वो तो हमारे कहने पर नहीं बनी थी कि करप्शन में नून लीग को कहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था। सियासी जमातों की करप्शन की बात हुई थी, उसमें नून लीग टॉप पर थी, उसके बाद हाँ डेवलपमेंट की बात बता रही हूँ ना आपके, मेट्रो के अलावा कोई नहीं बनी, मेट्रो के अलावा आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मैंने तो आपको गिनवाए हैं ना, हमने तो अपनी यूनिवर्सिटीज की भी मैं लिस्ट आपको बता सकती हूँ, हमारे पास की भी बता। अच्छा, दुबई के अंदर चल रही है तरक्की, इसमें आपकी तरक्की हो, जो ज़र मुबादला की बात करें, एक्सपोर्ट्स आपकी कम हो गई, ज़र मुबादला आपके जो है वो कम पड़ गए, और जो है भी तो आपको पता है जीडीपी आ रहा है इस बार,
जीडीपी क्या होता है आपको पता है, 6% जीडीपी आ रहा है इस बार। देखिए एक 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 ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है, वो भी हमारी इकोनॉमी में लिया है। बिल्कुल आम सी फर्द हूँ पाकिस्तान की, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं ये देखती हूँ टीवी की और तमाम जो रिपोर्ट्स, ये मुझे बता रही कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए और जरे मुबादला भी जो है वो कम हो गया, अगर है भी तो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्शन की वजह से नहीं, वो जो ओवर बर्डन हो गया ना वो डेबिट की वजह से हुआ है। और अभी एमएनसी स्कीम ने जो जिस वक्त वो ला रहे उसका भी आपको हाल पता है कि अब 2-3 हफ्ते पहले पार्लियामेंट के इजलास से आपको लाने की क्या जरूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है पार्लियामेंट जो मनी बिल ला सकती है। अच्छा टाइमिंग्स दो तरह से गलत है, एक तो पार्लियामेंट का इजलास होने लगा था, वेट कर सकते थे, तो आपने तो वो वोट की इज्जत करो आप तो यहाँ पर लताड़ गए। दूसरा ये है कि अभी टाइमिंग्स इसलिए भी गलत है कि ट्रम्प में 2-3 महीने रह गए, आपने जो इतना कर्जों के बोझ तले इसको हमें दबा दिया है तो वो जो नई आने वाली हुकूमत के लिए आप इतनी कंसेशन वाला टैक्स सिस्टम क्यों लेकर आए, ठीक है इस पे बहुत काम किया है और तमाम लोगों को हमने स्टेक होल्डर्स को लिया था। इस वक्त जब पाकिस्तान के जर मुबादला के ज़खायर 26 बिलियन से होके 13 बिलियन पे आ गए हमें, और IMF के तेवर हमें सही नजर नहीं आ रहे हैं, रिदा हमें बड़ी शदीद जरूरत है। और मैं हमेशा एडवोकेट जो रहा हूँ एमनेस्टी स्कीम का इसलिए रहा हूँ कि जब कराची के हालात खराब थे रोजाना क्या भत्ता खोरी मांगी जा रही थी, कराची से $6 अरब जो थे दुबई के अंदर ट्रांसफर हुए थे, अब जब हालात सही हो गए लोग ये पैसा वापस लाना चाह रहे हैं, खुदारा उनको एक विंडो दें, उनको एक डोर दें ताकि वो पैसा आ जाए। और ये मैंने अपने कॉलम में तहरीर किया है जिसके अंदर ये कहा है कि तकरीबन 6-8 बिलियन डॉलर आएगा और $25 बिलियन के जो हैं वो असासे जो हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। डोंट यू थिंक एक अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए, $150 बिलियन का जो टैक्स टारगेट का जो गैप आ रहा है, आप इतनी कंसेशन टैक्स की स्कीम देंगे तो वो कैसे आप फिल करेंगे, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल जो सबसे बड़ी बिजनेसमैनों की तंजीम है और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनमें मैंने कुछ परसों मेरी मुलाकात हुई अकील करीम रेड्डी से जो हमेशा करवाते हैं, उन्होंने इसके फेवर में कही कि ये फेवर में है पाकिस्तान के, अनाउंस करें एनएफसी अवार्ड का और हमें अपना हिस्सा दे दे और अपना ड्यू शेयर मिल जाएगा तो ये अपना काम करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच मुगल साहब आपका और इश्तियाक बेग साहब आपका और खुशबख्श शुजात साहब अभी हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और गुफ्तगू की जी आपके सामने। सारे मामलात रुझानों की बुनियाद पर आप खुद देखते हैं, आपके मुंतखब नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं और आपके मामलात के हवाले से आपके इश्यूज के हवाले से उनसे बात होती है, जो सियासी मामलात उस पर भी गुफ्तगू हो रही है, आपके बुनियादी मसाइल पर भी गुफ्तगू हो रही है। सूबे का नारा लगाना गलत है या सही ये तो फैसला आप करेंगे, चाहे वो पंजाब में हो या सूबे सिंध में हो या फिर किसी और सूबे में हो, वहां पे नारा लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए ये डिसाइड असल में आप लोग करेंगे। जाते जाते आज के वार्डरोब की जी बात कर लेते हैं, आज के वार्डरोब स्पॉन्सर के फैशन वाइज ने जी, थैंक यू सो वेरी मच फैशन हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हमेशा बहस पर बहस ना की जाए, किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। और इसी सिलसिले में हमने ये बहुत सारे मामले, ये अहम मामले हैं जो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं, इसके ऊपर आज हमने गुफ्तगू की है, चाहे वो मौशी मामलात हो या दीगर मामलात हो, सियासी नौयत के मामलात हो, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारी गुफ्तगू में आज शामिल रही है, जैसे 18 अमेंडमेंट का इशू था या नए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के हवाले से बात हुई, नए सूबों के हवाले से बात हुई कि उनको किस तरह अब बनना चाहिए, ये तमाम बड़े अहम मामलात हैं और इसके ऊपर जो है वो मजीद गुफ्तगू की जरूरत है। आज क्योंकि वक्त कम था इसके ऊपर तफसील से बात नहीं हो सके, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में जरूर कोशिश करेंगे कि इस अहम कौमी मामले के ऊपर मजीद बात करें। तो प्रोग्राम को देखने का और सराहने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के हवाले से आप अपनी राय जरूर हमें भेजा करें और अगर आपकी कॉल आज शामिल नहीं हो सकी प्रोग्राम में तो उसके लिए जो है वो बड़े माजरत खां हैं, क्योंकि आज गुफ्तगू में बहुत सारे लोग जो है वो शरीक थे और बहुत सारी बातें थी जो हमने आपके बिहाफ पे जो आप हमें सवाल भेजते हैं हमने आपकी तरफ से वो पूछ ली, तो इंशाल्लाह सिलसिला आगे जारी रहेगा, आपके मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात होती रहेगी। प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, मोहम्मद यासर और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you.